हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। टुडेस व्लॉग इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज़ दिस टाइम इट्स अ बर्थडे व्लॉग। दिस आर द थिंग्स दैट वी गोना डेकोरेट दिस रूम विद। मम्मी को वहाँ पे सुला के बंद कर दिया है, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पूजा और पूनम दोनों आ रहे हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम। बट बिफोर दैट सबसे टायरिंग काम होता है वो है बलून्स को उगाना, तो वो काम से मैं शुरुआत करूँगा। द सिस्टर्स आर बैक अगेन आफ्टर योर नहीं द लास्ट टाइम उन्होंने कभी बर्थडे किया था दिसंबर दिसंबर हाँ दिसंबर सिमोन का बर्थडे भी तो थे। हाँ फिर क्या, सिमोन का बर्थडे दिसंबर में आता पागल। The other sister is here. Direct gym se. When something does not work well, great. Haan ji. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पूजा आ गई, चला चल कैंडल चैनल की थर्ड कॉपी। Story is not so by Joseph Pratik. पर जा रहे सब। फोकस नहीं हो रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। Now is the time where the all the preparations had been done. जितना decoration हमसे हो सकता था उतना किया and it was time
टू कॉल माई मॉम एंड माई डैड हू इक्वली वेटिंग कि मैंने क्या डेकोरेट किया है और मैंने किस तरीके का सरप्राइज़ किया है. फन फैक्ट ये है कि माई मॉम न्यू लाइक आई वॉज गोइंग टू सरप्राइज हर बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज सो रेलिवेंट कि मॉम्स के साथ तुम कभी सरप्राइज़ कर नहीं सकते हो बिकॉज दे आर बिहाइंड यू एवरी टाइम. ठीक है, जब भी हम डेकोरेशंस कर रहे थे मैंने फोटोज में नहीं डाले कि जब मॉम आए के शी वॉज सजेस्टिंग कि लाइटें इस तरीके से लगानी चाहिए और जिसमें हम फोटोज़ वगैरह चिपका रहे थे वो भी उस तरीके से लगाना चाहिए था, वॉल्स में कर्टन नहीं चिपक रहे थे. ऑल दैट सजेशंस वर गिवन बाय माय मॉम एंड जिसके लिए सरप्राइज़ था वही सजेशन हमको दे रहा था. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैनॉट टेक ऑफ यू नो. एंड आई कॉल देम एंड दे वर लिटरली सरप्राइज्ड. मेरी मॉम को देख के मतलब मैंने आज तक उनको अच्छे से स्माइल करते नहीं देखा था बिकॉज शी इज़ लिटरली बिजी लुकिंग आफ्टर मी एंड माई डैड. इट मैच साउंड रिवॉल्टिंग टू सम बट दैट्स वॉट दे डू, दैट्स वॉट मॉम्स आर फॉर. दे लुक आफ्टर एवरी थिंग, शी लुक्स आफ्टर ईच एंड एवरी थिंग विद द इक्वल एफिशिएंसी ओवर देयर. उसमें से सिर्फ छोटा पार्ट मैंने किया था विच वॉज सरप्राइजिंग. आई हैड द बेस्ट टीम विथ मी जो एक कॉल पे आ जाती है, एक मैसेज पे आ जाती है. आई जस्ट मैसेज देम कि हाँ वह चीज़ अपने मम्मी डैडी के लिए कर रहा हूँ एंड दे वर सो ईगर टू कम. मानवी नहीं आ पाई बिकॉज वो ऑफिस में अटक गई थी बट शी वॉज द फर्स्ट वन टू विश माई मॉम हैप्पी बर्थडे. सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू हैव दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स. थैंक यू. सो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड लोगों को भी शेयर करो, अपने मम्मी डैडी को भी शेयर करो ताकि उनको देख के भी अच्छा लगे और ये सब देख के भी आपको भी अंदर से लगे कि आपको भी अपने मम्मी डैडी के बर्थडे पे थीम्ड पार्टीज़ करनी चाहिए जितने आपसे हो सके. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. चाहे जिंदगी ऐसी जी तब चाहे जिंदगी है.